मोहन सिंह और आप देख रहे हैं VSS स्पोर्ट्स। सबसे पहले मैं आपको क्रिकेट का न्यू अपडेट देता हूं कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथे टेस्ट शुरू होने वाली है 2 सितंबर से ओवल में, उसके पहले हम लोग प्लेइंग 11 के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने घर के छत पे बना रहा हूँ और आप पीछे देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत व्यू है, कितना ही सुंदर पहाड़ है। यहाँ पर नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए मैं सोचा कि आज यहाँ से वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को भी हमारे पतरातू प्रखंड के ये खूबसूरत वादियाँ जो हैं उसे देखने का आप लोग को भी मौका मिले। जैसा कि अभी पिछले 3 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ी फ्लॉप सी लगी है, उस तरह से देखा जाए तो 4th टेस्ट में 7 बल्लेबाज और 4 गेंदबाज को लेकर हमारी भारतीय टीम को उतरनी चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि वो 5 गेंदबाजों के फॉर्मूला से ही उतरेंगे, क्योंकि एक अच्छी तरकीब भी है, क्योंकि 5 गेंदबाज रहने से हमें टेस्ट में 20 विकेटें लेनी पड़ती है जीतने के लिए। तो हम अपने प्लेइंग 11 में ओपनर तो हमारे तय है, ये एक तरफ से रोहित शर्मा ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरे तरफ से KL राहुल ने भी अच्छी पार्टनरशिप निभा रही है रोहित शर्मा के साथ, जिन्होंने 1 सेंचुरी भी मारी थी 2nd टेस्ट में लॉर्ड्स के मैदान पर। और 3rd नंबर पर मैं चेतेश्वर पुजारा को ही देखना चाहूँगा, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने पिछले मैच में 2nd पारी में वो बेहतरीन तरीके से 91 रनों की पारी खेली थी। 4th नंबर पर विराट कोहली ही रहेंगे हमारे कप्तान, वो भी पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से 55 रनों की पारी खेली थी। हालांकि उन्होंने उनके फॉर्म थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे अब फिर से वो पिछले वाले लय में आ रहे हैं। 5 नंबर पर मैं अभी भी अजिंक्य रहाणे को एक और मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि 2nd टेस्ट में उन्होंने भी 166 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और वो भी धीरे धीरे लय पर आ रहे हैं। फिर 5वें नंबर 6ठे स्थान पर ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर अभी मैं देखना चाहूँगा, लेकिन 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा के जगह रविंद्र चंद्रन अश्विन को टीम में आना चाहिए। और तेज गेंदबाज हमारे मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा ही रहने चाहिए, क्योंकि ओवल के मैदान में स्विंग कम और स्विंग ज़्यादा होती है और वहाँ पर बाउंस भी ज़्यादा होती है, तो 4 तेज गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन रहेगी हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 के लिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी प्लेइंग 11? अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग करनी है या फिर लगता है कि इस प्लेयर के जगह ये प्लेयर को मौका देना चाहिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं, हम उसके बारे में भी ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।